हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फास्ट स्टडी डेटा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्लास 10th का मैथ लेकर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th लेकर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहा गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, तो और मैं प्रश्न बता चुका हूँ। देखिए चौथा ये है, तो आप क्या करेंगे इसमें, पहले जो मैं प्रश्न आगे बताऊँ उसी प्रकार से क्या लिखेंगे आप। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों आप, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात एक बहुपद है जिसके अल्फा और बीटा क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब जो दिया गया चीज़ें क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका -1/4 है। उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/4 है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का। ठीक है, द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा यक्स। ठीक है, प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो आइए रख देते हैं इसको हम। ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 क्या हो जाएगा, 4। आइए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस गुणा करेंगे माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स गुणा एक में करेंगे क्या होगा, एक्स बटा के 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करिए आप, बिल्कुल इसके बटा एक करके क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए। सबका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर बराबर 0 है, 4 इधर भेजेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, इक्वेशन 4x² प्लस एक्स प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो ये आपके सामने क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब क्या लिखना है आपको, पॉलीनोमियल्स लिखना है, बहुपद क्या लिखेंगे। इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद क्या भैया, द्विघात बहुपद आपका 4x² प्लस एक्स प्लस क्या हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग 6 नंबर देखते हैं, क्या है आपका, 4 कॉमन 1 दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा और 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जिसके अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्य का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, तब तब मतलब क्या, जो दिया हुआ है, दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 4 दे रखा है, तथा तथा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है आपका, 1 दिखा रहा है। ये चाहें तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लें तथा करके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख दें आप, 1 लिख दें। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का प्रयोग करने पर। ठीक है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है आपके सामने, तो द्विघात समीकरण आपको कई बार बताऊं मैं कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए आपका। ठीक है, ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1। ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर अब क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या आप लिखेंगे, इसलिए इसलिए दी गई, इसलिए दी गई परिस्थितियों परिस्थितियों के अनुसार द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।